आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, रूटीन का ठीक ना होना, आहार का ठीक ना होना, इन सब स्थितियों से बड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पाचन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं बहुत सामान्य हो गई हैं। ये जो हम आहार लेते हैं, मैदे से बनी चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, ये बहुत देर तक हमारे पेट में रुकते हैं। ठीक से जब पाचन इनका नहीं होता, आंतों में ये जाते हैं और आंतों की दीवार पर चिपकना शुरू हो जाते हैं। जब हमारी आंतों से भोजन का अवशोषण होता है, तो ये जो मल आंतों की दीवारों पर है, ये वहां से अवशोषित होके हमारे रक्त में, ब्लड में चला जाता है और वहां से हमारे पूरे शरीर को और अलग अलग हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। यहां तक कि हमारे मन पर भी इसका सीधा प्रभाव होता है। माइंड गट कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। जब हमारा पाचन ठीक नहीं होता, आपने देखा होगा कि आपके दिमाग पर उसका प्रभाव पड़ता है, आपका मन बिल्कुल ठीक नहीं होता, एक आप चिंता तनाव जैसी स्थिति में बने रहते हैं। और ये भी आज विज्ञान मानता है कि अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी है, तो उसका जो बाउल मूवमेंट है वो ठीक नहीं रहता, उसको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं बिल्कुल हो सकती हैं। आप समझ लें कि आपका दिमाग और आपका पाचन सीधे तौर पर संबंधित है। तो अगर आप अपने पाचन को ठीक करते हैं और इन मलों का निष्कासन ठीक से हो पाता है, तो आप समझ लें कि आप तरोताजा अनुभव करेंगे, ऊर्जावान अनुभव करेंगे और आप चिंता तनाव से भी जैसे मुक्त हो गए हो ऐसा अनुभव करेंगे। आज हम एक ऐसे योग अभ्यास को समझने वाले हैं जो कि आपके पेट को साफ करने में बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान देगा, बड़ी सहायता करेगा आपकी। ये क्रिया करने के लिए आपको सुबह के समय थोड़ा सा समय निकालना है। जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, उससे पहले आपको ये करना है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसे इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको एक ग्लास की मात्रा में गुनगुना पानी लेना है, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। उसमें आप एक नींबू भी निचोड़ सकते हैं या फिर सामान्य भी ले सकते हैं। इस पानी को आपको सामान्य तरीके से नहीं पीना है। इसको पीने का तरीका क्या है और इस पानी को पीने के बाद आपको क्या क्या अभ्यास करने हैं, ये आप पूर्ण रूप से समझ लें, ध्यान से समझ लें। आपको केवल एक गिलास पानी नहीं पीना है, आपको दो गिलास या फिर तीन गिलास। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो थोड़ी जल की मात्रा अधिक रखें, सामान्यतः दो गिलास जल पर्याप्त होगा। तो करना कुछ इस प्रकार है कि आपको मल आसन की स्थिति में आना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से आ जाना है। यहां पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला ये कि आपके पैरों के बीच का अंतर आपके कंधों के अंतर से थोड़ा सा अधिक आपको रखना है। इस प्रकार से जब आप पैरों के बीच का ये जो अंतर है इसको बढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक ही आपके पास एक स्पेस होगा यहाँ पे, जिससे कि आप यहां से आपके पेट के ऊपर कोई अब दबाव नहीं है, पेट आपका बिल्कुल रिलैक्स होगा और इस प्रकार का एक दबाव होगा आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर, जो उसकी जो फंक्शनिंग है उसको इंप्रूव करेगा, जो उसका मूवमेंट है उसको इंप्रूव करेगा। तो इस तरीके की स्थिति में आ जाना है। यहां पे अगर आपकी कमर मुड़ी हुई होगी तो समझे आप कि आपके पेट के ऊपर एक दबाव पड़ेगा। तो यहां पर सजगता से आपको कमर को सीधा करना है और आपको बिल्कुल ढीला रखना है अपने पेट को, और वो इस तरीके की स्थिति में सामान्यतः यहां पर, क्योंकि स्पेस है आपके पास, तो इस प्रकार रहेगा। ऐसे बैठने के बाद आपको जल लेना है और जल को लेकर के आपको पीना शुरू करना है। इस प्रकार से आपको ये जल पी लेना है। ये पीने के बाद आपको क्या करना है कि इस प्रकार से अपने हाथों को अंदर लेकर के आना है और इस प्रकार से ये आपको अपनी कोहनियां यहां पे सीधी करनी है। यहां पे आप समझें कि जब आप हाथों को इस प्रकार मिलाएंगे और यहां पे नहीं रखेंगे, इनको बिल्कुल छाती के सामने लाने के लिए नीचे की तरफ लाएंगे, तो ये एक वो डिस्टेंस है जो कि मल आसन के लिए आपका होना चाहिए। और इस डिस्टेंस को आपको मेजर करने की जरूरत नहीं, बस आपको इसी प्रकार से लाना है और ये एक आदर्श वो अंतर है जो होना चाहिए। यहां पर आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। तो ये जो आपकी आंतों के ऊपर, बड़ी आंत के ऊपर विशेष रूप से जो प्रभाव पड़ेगा यहां पर, इससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होगी। एक बार आप बगल से भी देखें कि किस प्रकार की स्थिति है। यहां पर आप आएंगे और
इस तरीके से। अभी कुछ लोग अगर ऐसे कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, अंतर रखा पैरों के बीच में, और इस तरीके से ये स्थिति बनेगी, कमर को सीधा करना है और सामने देखना है। यहां पर कुछ समय रुकने के बाद फिर से आप इस प्रकार से लाएंगे और हाथों को इस तरीके से रखेंगे, फिर से आप नीचे लेकर के आएंगे हाथों को और फिर से इसी स्थिति में आ जाएंगे, फिर से कुछ समय रुके और फिर से आप सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। अगर आपको इस प्रकार से मलासन की स्थिति में बैठने में समस्या हो रही है तो इस तरीके से आपको एक फोल्ड करके कोई भी ब्लैंकेट, कोई भी कंबल रख लेना है और अपनी एड़ी के नीचे उस कंबल को इस तरीके से रख के, और उसके बाद आप इस स्थिति में आएंगे और यहीं पे कुछ समय तक आपको इस प्रकार से रुकना है। ये बड़ा ही उपयोगी एक अभ्यास होगा। इतना अभ्यास करने के बाद आपको दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ना है, और ये जो अगला अभ्यास है ये है आपका ताड़ आसन और त्रियक ताड़ आसन का अभ्यास। यहां पर आपको समस्थिति में आ जाना है और यहीं से सांस को अंदर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके आना है, फिंगर्स को लॉक कर लेना है और हाथों को पूरा ऊपर की तरफ इस प्रकार से खींचना है। जितना हो सके आप ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। अब जैसे ही आप ऊपर की तरफ यूं यहां पे खींच रहे हैं तो आपके पूरे जो पाचन तंत्र है उसको एक स्पेस मिल रहा है, वो स्ट्रेच हो रहा है और जो आपने पानी पिया है वो नीचे की तरफ जाने में उसे सहायता होगी। अब केवल इतना ही नहीं कि आपने स्ट्रेच किया और यहां पर रखा, पहले आपने इसी प्रकार से ये अभ्यास किया, कुछ समय तक रोका और फिर आप सामान्य नीचे हाथों को लेकर के आएंगे, फिर से आप सांस भरेंगे और इसी प्रकार से ऊपर की तरफ खींचेंगे। लगभग 30 सेकंड तक आपको एक बार में ऐसा खींचना है और फिर से आप नीचे लेकर के आएंगे। इसके बाद जो अभ्यास करना है वो है त्रियक ताड़ासन का अभ्यास। इसके लिए यहीं से फिर से आपने फिंगर्स को लॉक किया और आप दाई तरफ जाएंगे इस प्रकार से। यहां पर एक ध्यान आपको रखना होगा कि आप इस तरीके से घूम नहीं जाएंगे। अगर इस तरीके से घूम जाएंगे आप तो फिर समझें कि आप पूरा स्ट्रेच जो आपका है साइड में आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि जब बगल में जा रहे हैं तो आपको आगे की तरफ ऐसे नहीं आ जाना है, बिल्कुल साइड से आपको जाना है। तो आप समझें कि आपने फिंगर्स को लॉक किया, ऊपर खींचा और इस प्रकार से आप गए, सांस भरते हुए वापस, और फिर आप दूसरी ओर इसी प्रकार से जाते हैं, फिर वापस आएंगे और इसी प्रकार फिर से आप दूसरी तरफ। इसको आप 15 बार 10 बार कर सकते हैं। तो जब आपने पहले मल आसन का अभ्यास किया, आपकी आंतों का जो मूवमेंट है उससे वो इंप्रूव हुआ, आपने वहां पर पानी पिया और उसके बाद ताड़ासन किया तो पेट को एक स्ट्रेच मिला जिससे कि पानी नीचे की तरफ गया, और जब आप ये अभ्यास करते हैं त्रियक ताड़ासन का तो इससे फिर से वो पानी जो है अंदर आपकी आंतों में ठीक से उसका मूवमेंट होगा और वो साफ करता हुआ आगे बढ़ सकेगा। इससे आगे बढ़ते हुए दो अभ्यास हम और करेंगे। तो हमारा जो अगला अभ्यास है वो है भुजंग आसन का अभ्यास, और उसके बाद हम करेंगे त्रियक भुजंग आसन का अभ्यास। तो भुजंग आसन के लिए आपको इस प्रकार की स्थिति में आ जाना है और यहीं से आपको अपनी हाथों को कंधों के थोड़ा पीछे और छाती के बिल्कुल बगल में रखना है इस प्रकार से। जैसे ही आप हाथों को यहां पे रखेंगे तो आपके कंधे अपने आप ही स्वाभाविक रूप से पीछे की तरफ जाएंगे। अगर आप हाथों को आगे रखते हैं तो यहां देख सकते हैं कंधे आगे की तरफ हैं और ऐसे आपके लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, तो ये पूरी तरह गलत हो जाता है। तो आपको अपने हाथों को पीछे रखना है और यहीं से सांस भरते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। एल्बो आप थोड़ी बेंड रखेंगे और यहां पे आने के बाद कंधे पीछे और ऊपर की तरफ देखेंगे। इस प्रकार के इस अभ्यास से जठर अग्नि भी आपकी प्रदीप्त होगी और पाचन तंत्र आपका अच्छा होगा, भूख आपकी बढ़ेगी।
और जो हमने कहा कि आपका जो मूवमेंट है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, वो इंप्रूव होगा। कुछ समय तक रुके, सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अब यहीं पर हमें अपना अंतिम अभ्यास करना है। आप सांस को भरते हुए इस प्रकार से आए और अपनी एड़ियों को देखेंगे, यानी कि आपको इस प्रकार से यहाँ पे घूम जाना है। घूम करके जितना पीछे जा सकें आप, उतना अपनी एड़ियों को देखने की कोशिश, और फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे सांस भरेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। सांस भरा और दूसरी तरफ से आपने अपने पैरों को देखा, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। फिर सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। और इसके बाद आप यहीं से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे और कुछ समय आप वज्रासन में यहां पे रुक सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के अभ्यास, जो शंख प्रक्षालन की स्थिति होती है, जिसमें कि पूरे आपके पेट को, आंतों को साफ करने की पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें भी कुछ इस प्रकार के अभ्यास किए जाते हैं। भविष्य में उसकी पूर्ण विधि भी साझा की जाएगी। जिसको बहुत अधिक लगता है कि मल रुका हुआ है, कॉन्स्टिपेशन है, टॉक्सिन्स बहुत है शरीर में, उसके लिए पूर्ण शंख प्रक्षालन बहुत ही उपयोगी है। लेकिन ये जो हमने अभ्यास बताया, इसको सामान्यतः किया जा सकता है। कभी भी आपको लगता है कि और अच्छे से शरीर को साफ होना चाहिए, तो इस अभ्यास को आप करना शुरू करें। शौच आदि से निवृत्त होने से पहले इसको करना है। फ्रेश होने के लिए आप जाते हैं, उससे थोड़ा पहले करना है। तो हमने जो जल ग्रहण किया, उससे भी डिटॉक्स की प्रणाली अच्छी होगी। नींबू डाल सकते हैं, बहुत अच्छा है। आपने मलासन किया, उससे जो आपकी इंटेस्टाइन का मूवमेंट है अच्छा हुआ। और फिर हमने स्ट्रेच किया, साइड में हम जाते हैं त्रियक ताड़ासन में, त्रियक भुजंगासन आदि। सभी अभ्यास इस प्रकार के हैं कि ये पूरी प्रणाली को बेहतर करने वाले हैं। आपके पाचन और आपके निष्कासन दोनों प्रणालियों को ये अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ कुछ चीजों का आपको और ध्यान रखना होगा। जब हम बात करते हैं डिटॉक्स करने की, तो ऐसा नहीं है कि हम निकाल रहे हैं और ऊपर से कूड़ा डाल भी रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको सारी गलत चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड सब खाना बंद कर देना है। सात्विक आहार, घर पे बना हुआ अच्छा भोजन और फलों का अधिक प्रयोग। पानी अधिक पिएंगे दिन भर में, और जैसे गर्मी का मौसम है तो पानी अधिक पूरे दिन में आपको आपूर्ति पानी की रखनी है। साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण बात जिसकी तरफ आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि आपको रूटीन अपना ठीक रखना है। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि एक दिन तो आप 5 बजे फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, एक दिन 6 बजे जा रहे हैं, एक दिन 7 बजे, अगले दिन 8 बजे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे जो आपकी बॉडी क्लॉक है वो बिगड़ती है और शरीर को एक पता ही नहीं चलता कि कब वो वेग आना चाहिए। तो स्वाभाविक वेग तभी आएगा जब आप रोज का अपना एक समय रखेंगे और एक समय पर ही अपने सारे आप रूटीन सुबह के करेंगे। तो आपको कोशिश तो ये करनी है कि सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त का आप प्रयोग करें। लेकिन अगर एकदम से नहीं हो पाता है, आप 5 बजे उठ रहे हैं, 6:30 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, लेकिन एक समय तो कम से कम अपना रखना ही है। ये तो आप आज से ही करना शुरू कर दें। अगर इतना आप करते हैं, आहार ठीक रखते हैं, ये अभ्यास आप करते हैं ठीक प्रकार से समझ के, तो आपकी जो डिटॉक्स की प्रणाली है वो अच्छी होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, विष शरीर से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, आपको मानसिक स्तर पर भी लाभ दिखाई देंगे और शरीर में पूरी एक ऊर्जा का अनुभव होगा। तो अपेक्षा है आपको ये जानकारी ठीक से समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रश्न होते हैं तो रख सकते हैं, अन्यथा इसको समझ के अपने जीवन में प्रयोग करें और अन्य बंधुओं के साथ भी साझा अवश्य करें। तो आज के लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।